दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे पंजाब के किसान बॉर्डर पर उग्र आंदोलन कर रहे हैं और अंबाला में किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गोले छोड़ने पड़े। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर की, किस तरह की वहां पर स्थिति बनी ये देखिए, कितना मुश्किल हो रहा है। और ये सभी तस्वीरें जो हैं वाटर कैनन कि बौछारें छोड़ी जा रही हैं, दूसरी तरफ जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई उसकी तस्वीर देखिए, किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ा और उसे पुल से फेंक दिया, पुलिस से झड़प हुई और फिर इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। किसानों का पलटवार भी हुआ और तलवार के साथ किसान नजर आए इस पुल पर, पूरी तरह से संग्राम नजर आया और किसान अड़ गए हैं। तो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं तेजी से, किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और 12 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं किसान कानून के खिलाफ पंजाब के सभी किसान। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर देखिए, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर तस्वीर देखिए और फरीदाबाद जितनी भी सीमाएं हैं वहां पर उनका उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। अंबाला में बौछारें छोड़ी गई, वहीं करनाल में भी बवाल देखने को मिला और इस स्थिति की निगरानी जो है वो ड्रोन से की जा रही है। प्रशासन स्थिति को समझने के लिए पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और ड्रोन से इसकी निगरानी की जा रही है। जगह जगह पर पुलिस मुस्तैद है। ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इससे लोगों को दिक्कतें सामने आ रही हैं। मेट्रो पर असर पड़ा और बॉर्डर सील होने की वजह से भारी ट्रैफिक भी दिल्ली वालों को झेलनी पड़ी है। और उधर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, हाईवे पर बैरिकेडिंग की गई है। देखिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे हूँ जहाँ पे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है और आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर के जो पहले बैरिकेड जो लगाए गए थे ये लोहे वाले, उसके जगह पत्थर के ये बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ अंबाला के दृश्य हम देख रहे हैं कि पुलिस की बैरिकेड को स्टील को फेंका जा रहा, लेकिन ये पत्थर के बैरिकेड से जो है ये नेशनल हाईवे 8 पे जो है बैरिकेडिंग की जा रही है, क्योंकि इसको किसान हटा नहीं सकते, इसको धक्का नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत भारी होता है ये और क्रेन मंगा कर जो है रोड पे इस पत्थर के बैरिकेड के जरिए बैरिकेडिंग की जा रही है। पुलिस कोई यहाँ पे जोखिम नहीं लेना चाहती, हर हाल में किसानों को जो दिल्ली चलो आंदोलन के तहत जो वो पहुँचना चाह रहे हैं उनको रोकना चाहती है, तो ये पत्थर के बैरिकेड के जरिए यहाँ पे बैरिकेडिंग की जा रही है। जो स्टील के बैरिकेड लगे हुए थे उसको हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये क्रेन जो है फिलहाल इस ये जो बैरिकेडिंग की जा रही है इसके चलते पूरा हाईवे जो है अभी ट्रैफिक रोक दिया गया है। ये आपको बता दें NH8 का हाईवे है, सबसे व्यस्त हाईवे में से एक है ये, लाखों की तादाद में गाड़ियां यहाँ पे ट्रैवल करती हैं और जाहिर तौर पर इसके चलते सुबह से जाम की स्थिति है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है की गई है, लगातार यहाँ पे पत्थर के बैरिकेड्स जो है लगा यहाँ पे। मनीष की रिपोर्ट आप देख रहे थे और मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तैयारी पूरी दिल्ली पुलिस कर रही है। बिल्कुल अभिलाषा, हमारी DCP से बात भी हुई, तैयारी पूरी है और यहाँ पे पुलिस के जवान मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कतार में खड़े हैं, लेकिन जो संकट है अभिलाषा वो मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए NH8 जो है दिल्ली गुड़गांव हाईवे है ये किस तरीके से जाम लग गया है। ये तमाम जो कंटेनर वाली जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, छोटे बड़े जो कंटेनर है इनको खोल करके पुलिस देख रही है कि किसान इसके अंदर बैठ के तो नहीं जा रहे, तो आगे इनको रोका जाता है, आगे इनको रोका जाता है पुलिस के द्वारा। यहाँ पे चेकिंग की जाती है, बसों की तो चेकिंग की जा रही है, साथ साथ इन कंटेनर की भी चेकिंग की जाती है कि अंदर तो कोई नहीं बैठा हुआ है। लेकिन गुड़गांव जो NH8 हाईवे जो है यहाँ सुबह से जाम की स्थिति है और अब तो कमर्शियल गाड़ियां भी यहाँ पे रोड पे उतर आई है। सुबह से पैसेंजर गाड़ियां नजर आ रही थी, अब पैसेंजर बहुत ज्यादा जाम है। क्या एक घंटा हो गया, देखिए एक घंटा हो गया सर, किस तरीके की दिक्कत हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं, लोग सुबह से आ रहे हैं जा रहे हैं। और अभिलाषा दिखाना चाहूंगा तस्वीर, ये पूरा NH8 का है, गुड़गांव से ये दिल्ली की ओर रास्ता आता है और आपको बता दें राजस्थान कनेक्ट करने के लिए, महाराष्ट्र कनेक्ट करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है और सुबह से लोग इस पर जाम से जूझ रहे हैं, इतनी सारी बाइकें आ रही है। आपको बता दें ये सुबह से एक घंटे से जाम है, बहुत जाम है, ये बहुत जाम है, बहुत दिक्कत हो रही है। 3 किलोमीटर लंबा जाम है, कम से कम 3 किलोमीटर लंबा जाम है। अभिलाषा आपने सुना 3 किलोमीटर लंबा जाम है, लोग सुबह से जूझ रहे हैं इस हाईवे पे, बहुत ही व्यस्तम हाईवे है और लोगों की परेशानी, लोग दफ्तर जाना चाहते हैं, काम पे जाना चाहते हैं।